बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट क्लास सेवन मजमून इस्लामियात अनवान मेहनत की अजमत और सफ़ा नंबर 70। ओके क्लास सेवन ओपन योर इस्लामियात बुक एंड टॉपिक जोन 70। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 और शॉर्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये कराया था। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ठीक है ये करवा रही हूँ। सुने इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है खुल्फ़ाए राशिदीन के पेशे बताइए। क्वेश्चन है कि खुल्फ़ाए राशिदीन के पेशे बताइए। हेडिंग आपकी होगी खुल्फ़ाए राशिदीन के पेशे। नंबर फर्स्ट हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े का कारोबार करते थे, मतलब पेशे वही है जिस चीज़ का कारोबार करते थे उसी के बारे में हमने लिखना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े का कारोबार करते थे। नंबर सेकेंड हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पेशा तिजारत था। नंबर थर्ड हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा कारोबार था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के तिजारती काफ़िले मक्का मुकर्रमा से दीगर इलाकों तक जाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों मेहनत और मजदूरी करके अपनी रोज़ी कमाते थे। अगेन ये क्वेश्चन सुने, हेडिंग है खुल्फ़ाए राशिदीन के पेशे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े का कारोबार करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पेशा तिजारत था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा कारोबार था। आपके तिजारत काफ़िले मक्का मुकर्रमा से दीगर इलाकों तक जाते थे। और लास्ट में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहनत और मजदूरी करके अपनी रोज़ी कमाते थे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट मैंने आंसर लिखे हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। क्वेश्चन है कि 3 ऐसे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम बताइए जिन्होंने गलाबानी की। तो इसमें फर्स्ट वन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गलाबानी किया करते थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी किया करते थे। फिर क्वेश्चन हज़रत 3 ऐसे अंबिया कराम के नाम बताइए जिन्होंने गलाबानी की। इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये तीनों जो थे वो गलाबानी किया करते थे। फिर है नंबर 5 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़गारी का ज़रिया क्या था। आंसर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहनत और मजदूरी करके अपनी रोज़ी कमाते थे। ये हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन। आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे। लॉन्ग क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे। आज ही पेज नंबर 68 पे, पेज नंबर 68 यहाँ से है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने अपने अपने हालात के मुताबिक मुख्तलिफ काम करके रोज़ी कमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काश्तकारी किया करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़ी का काम करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सीते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते थे। उन्हें मुख्तलिफ आलात बनाने में कमाल हासिल था। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम गलाबानी और काश्तकारी किया करते थे। इस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी गलाबानी की। गोया हाथ की कमाई से रोज़ी हासिल करना अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो ये आपका ये पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से मेहनत की अजमत का क्या सबक मिलता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से मेहनत की अजमत का क्या सबक मिलता है। आज सफ़र नंबर 69 पे, सफ़र नंबर 69 ये है, क्वेश्चन नंबर लॉन्ग मसे हैं लेकिन क्वेश्चन आपके बुक से ज़्यादा वो हमें लेंथी करना पड़ेगा। लेंथी आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा पैराग्राफ, आप लोग यही सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा है, ये कोई ज़्यादा नहीं है, आपने इसी क्वेश्चन को, ये पूरा पैराग्राफ आपने इसको लिखना है। मतलब सिर्फ आप, मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लिखने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपने सिर्फ अंडरलाइन करने हैं, लेकिन जस्ट क्लास वर्क की बात मैं कर रही हूँ, विंटर वेकेशन की बात मैं नहीं कर रही। जो जिसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने सारे के सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह रोज़ी कमाते थे। ये है आपका क्वेश्चन जो आप लोगों ने ख़ुद करना है, बुक से करना चाह रहे हो, नेट के हेल्प से करना चाह रहे हैं, तो आपने ये आपका है कि आप उसको खुद ही करोगे। फिर है नंबर 5, मेहनत करने के क्या फ़ायदे हैं, मेहनत के फ़ायदे, मेहनत के फ़वाइद, मेहनत के फ़वाइद जो है वो आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये मेहनत के फ़वाइद का सारा टॉपिक आपने लिखना है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका मेहनत के फ़वाइद यहाँ से लेकर, मेहनत के फ़वाइद टॉपिक यहाँ से लेकर आप लोगों ने यहाँ तक सारा करना है, ठीक है। क्लास 7, फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही, क्लास 7 अगर किसी को कोई फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास नंबर है, मुझे अपने सेल नंबर, सेल नंबर पे आप लोग अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। ये है आपका आज का वर्ड, बेस्ट ऑफ लक क्लास 7, अल्लाह हाफिज़।